ये खामोशी कहां तक लज्जते फरियाद पैदा कर, जमीन पर तू हो और तेरी सदा हो आसमानों में, ना समझोगे तो मिट जाओगे ए मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक ना होगी दास्तानों में। माशाल्लाह, ये थे शायर इस्लाम हजरत मौलाना ताजुद्दीन शाकर साहब। हुन मैं बिला ताखीर दावत देना फाजले नौजवान वाइज़े खुशलहान हजरत मौलाना हाफज मोहम्मद आसफ रबानी साहब। रबानी साहब तो पहले जरा थोड़े जा जाग जाओ। नारा तकबीर, नारा तकबीर, सलाम अलैकुम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी लम यत्तख़िज़ वलदन وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ कमार सल्लई ताला इब्राहीम वाला आल इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا واجب الاحترام سامعین محترم اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد बेशुमार ला तादाद दरूद व सलाम इमामुल अंबिया इमामुल हरमैन सैयदुस सकलैन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ात गिरामी ते साहिबो और अजीज साथियों,
अज का ये अजीम शान प्रोग्राम और कॉन्फ्रेंस सालाना मेरे इंतहाई प्यारे भाई मोहतरम लियाकत साहब, भाई मोहम्मद तारक साहब और मेरे हम सफ़र हम असर मोहतरम मोहम्मद यासीन कौकब साहब और दीगर इन्ना दे अहबाब व मुहिबीन जिन्ना बड़ी मेहनत दे नाल इस गुलशन नू सजाया है। अल्लाह इन्ना दी इस मेहनत कोशिश कावश नू अपने दरबार दे अंदर मकबूल व मंजूर फरमाए। उलमाए किराम उस्ताद उल उलमा हजरत मौलाना हाजी अबू बकर हुसैन साहब, मोहतरम डॉक्टर राना कुदरतुल्ला खान साहब, हजरत मौलाना कारी ताजदीन शाकर साहब और शेर पंजाब हजरत मौलाना मंजूर अहमद साहब, अल्लाह तमाम अहबाब दी हाजरी नू शर्फ कबूलियत दे नाल हम किनार फरमा। मेरे जिम्मे जो अहबाब जमात ने मजमून लगाया कि मैं हुकूकुल वालिदैन दे हवाले ना चंद बातां तो साढ़े गोश गुजार करन दी जसार चाहां। बहुत ज्यादा रिश्ते हक और हुकूक अल्लाह दे कुरान ने बयान फरमाए ने। जिस तरह हमसाया दे एक दूसरे ते हक ने, रिश्तेदारां दे एक दूसरे ते हक और हुकूक ने, जिस तरह अल्लाह दे पाक पैगंबर अली सलाम दे अपनी उम्मत दे जिम्मे कुछ हुकूक ने और उम्मत दे आमिना दे लाल अली सलातो व सलाम दे हक ने, जिस तरह बीवी दे जिम्मे खामत दे कुछ हुकूक ने, खामत दे जिम्मे बीवी दे कुछ हुकूक ने, इस तरह औलाद और वालिदैन दे भी अल्लाह ने हक और हुकूक बयान फरमाए ने। अल्लाह सानू सारयानू अपनी अपनी जगह इन हक और हुकूक दा ख्याल रखन दी तौफीक अता फरमाए। आमीन कह दियो जरा। माशाल्लाह कटा शरीफ तुसी खादा है, अज गरारियां तुहाडियां तेज होईयां ने माशाल्लाह, ते अल्लाह दी तौफीक दे नाल बड़ी मुहब्बत ना तशरीफ रखो। हाँ, जाके प्यार ना उन्हां विचों भी कोई होणगे ना, अल्लाह दुल जलाले वाली कराम दी रहमत ना मुहब्बत ना प्यार ना तशरीफ रखो। अल्लाह दुल जलाले वाली कराम ने ऐलान फरमाया, ऐलान खुदाबंदी समात फरमाना। अल्लाह जुल जलाले वाली कराम दा कुरान ऐलान फरमा रहा है। अल्लाह फरमांदे ने ए मेरे महबूब पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान फरमा दे। और अल्लाह फरमांदे ने वकासा रब्बुका अल्लाह ताबुदु इल्ला इशाहु व बिल वालिदैन इहसान। अल्लाह दुल जलाल ने फैसला फरमा दिता है, अल्लाह दुल जलाल ने हुक्म फरमा दिता है। अल्लाह ओ केड़ा इन्ना डाडा हुक्म ते आर्डर है, फरमाया मेरा आर्डर है वे के इबादत अर्श वाले रब दी करनी है। आ सार जदों झुकाना है किदे सामने, बोलो किदे सामने, सर जदों भी झुकाना है ते अपने अल्लाह दे सामने झुकाना है। अल्लाह तो इलावा ना ही ते कोई गंज बख्शे, रब तो इलावा ना कोई रंज बख्शे, अल्लाह तो इलावा ना कोई औलादा देन वाला है, रब तो इलावा ना कोई रिजक देन वाला है, अल्लाह तो इलावा ना कोई जलील करने वाला है। अल्लाह जुल जलाल दी कसम ये सारे इख्तियारात हैं ने ते
کلے عرش والے رب دے کول نے اللہ ذل جلال تے علاوہ اے اختیارات کسے دی ملکیت دے اندر نہیں اور نمبر دو اللہ فرمان دینے وا بل والدین احسان جتھے تسی اللہ دی عبادت کرنی ہے اوتھے اپنے ماپیاں دا خیال رکھنا ہے اپنے ماپیاں نا احسان تے اچھا سلوک کرنا ہے اللہ فرماتے نے اما یا بلغن انتقل کے بارا احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما اللہ ذل جلال دا قرآن کہہ رہے آئے پھر قدم قدم تے اینا ماپیانا احسان کرنا ہے اللہ ذل جلال دی قسمیں اینا دی عظمت تے غور تے کریا کر آخر ماپے بڈے ہو جاندے نے آندے نے بڈے تے بچے برابری ہو جایا کر دینے طبیعت دی سختی دی وجہ تو جسمانی کمزوری دی وجہ تو اگر تینو کسے والے چڑک بھی لینا اگر تینوں کسے والے کوئی ایسی گل کر چڑ کہ جیڑی تو اپنے طور تے برداشت نہیں کردا اوے نہیں بھی برداشت کردا تے پھر بھی کر یار اے وی تے ہن تک تیریاں برداشت کر دے ہی رہنے وا کلہما قولن کریما اللہ ذل جلال والی کرام دا قرآن میرے پاک پیغمبر علی سلام تے نازل ہو رہے ہیں آئیے سارا غور فرمانا ہے اے تے اللہ دا قرآن سنے آجنا ہے میرے پاک پیغمبر علی سلام و سلام نے میرے نبی نے خود اپنی زبان نبوتوں اعلان فرمایا میرے پاک پیغمبر علی سلام فرمان دینے میں ایک دن ستا ہوا تے آقا فرماندے نے سوتیا سوتیا میں انجے جویں رب تے جنت وچ تریا پھرنا وا تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جدوں میں جنت وچ گیا نا تے میں سنیا ایک بندہ رب تے جنت وچ قرآن پیا پڑھدا اے میں سنیا ایک بندہ جنت وچ قرآن پیا پڑھدا اے میں پوچھے اللہ اے کون بندہ ہے جیڑا تیرے جنت وچ وی قرآن پیا پڑھ دے آواز آندی اے اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبوب سونے آئے اے تیرا صحابی حضرت حارثہ بن نعمان نے میرے پاک پیغمبر نو جاگ آ گئی میرے آقا فرماندے نے فاقے آئی ماما دی خدمت کرن تے اللہ بڑے سے لے عطا فرماندا اے میرا او صحابی سی جیڑا ماں دیاں بڑیاں ہی خدمتاں کرن والا ماں دیاں خدمتاں کردار آئے آج دنیا تو چلا گیا آئے اللہ ذل جلال دی قسم میں جنت وچ اپنے کنی سن کے آیا رب دا قرآن پیا پڑھدا اے میرے بھائی میرے برادر آئیے ذرا غور فرمانا ایک اور میرے پاک پیغمبر علی سلام دا فرمان اللہ دے پاک پیغمبر علی سلام کولو پوچھیا جاندا ہے محبوب سونے ساڈے ماپیاں دا ساڈے تے کنا کو حق ہے تے میرے آقا علیہ السلام نے دو گلاں کیتیاں تے مسئلہ حل کر کے رکھ دیتا میرے نبی نے سمندر نو کوزے وچ بند کر دیتا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے نے ہما جنت کا و نار کا تیری ماں تے تیرا باپ اے ہوئی
तेरा जन्नत ने एहो ही तेरा जहन्नम ने। अगर इना दी ना फरमानी करेगा अल्लाह तैनू जहन्नम रसीद कर देगा। अगर मापिया की इज्जत करेगा मापिया की फरमा बरदारी करेगा इस फरमा बरदारी की वजह तो अल्लाह तैनू अपना जन्नत अता फरमा देवेगा। मेरे भाई मेरे बरादर आइए सरा गौर फरमांदे जाना अल्लाह जुल जलाल वली कराम दे नबियां दा अंदाज देखिए उन्हें अपने मापियां दी किस अंदाज ना इत्तेबा कीती अपने मापियां ना किंज करके मुहब्बतां रखियां ने। आ सुनो अल्लाह दा कुरान अल्लाह जुल जलाल दे नबी ने सैयदना जनाबे खलील अली सलाम ने अल्लाह दा कुरान ऐलान फरमा रहा है। अल्लाह फरमाते ने वाज़कुर फिल किताब इब्राहीम। कहो सुभान अल्लाह। भूख तो नहीं जी लगी है रोटी खा के ही आए हो ना। अल्लाह दुल जलाल दा कुरान सुनो अल्लाह फरमाते ने वाज़कुर फिल किताब इब्राहीम इन्नहु काना सिद्दीकन नबिया इस कालाले अभी है या अबदिल मताबुदु माला यस्माओ वाला यो बसिर वाला यो गनी अलकशत इन्नी कद जानी में नल इल्मे माला मैयात कार फत्ता बेनी अहद कसरातन सवी अल्लाह दुल जलाल दे नबी ने सैयदना जनाबे खलील अली सलाम ने एंज अपने अब्बा जी नू सामने बिठाया है ते फरमांदे ने या अबादी ऐ मेरे अब्बा जी हाला वेखो ना बाप मुशरके ते बेटा मवाहिद बाप अल्लाह दा ना फरमान ते बेटा रब दा नबी है ते फिर भी कह रहे ने या आबादी ए मेरे अब्बा जी ले माता बोधूर माला यसमाओ अब्बा जी जेड़े सुनते ही नहीं अब्बा जी जेड़े वेंदे ही नहीं इना दी क्यों तुसी पूजा ते परस्तश कर दे ओ या आबाद इन्नी कद जानी में नल इल्मी अब्बा जी तुसी उम्र वड्डे हो इहदे विच शक कोई नहीं पर अब्बा जी जेड़ा इलम अल्लाह ने मेनू अता फरमाया ओ इलम तुहानू अता नहीं फरमाया। अब्बा जी अगर जन्नत जाना चाहते हो ते इब्राहीम दी इत्तेबा तुहानू करनी पवेगी ते या अब्बा जी ला ताबुद शैतान इन शैतान कान लिर्रहमान अब्बा जी जिन्ना दी इबादत करन दे शैतान दी इबादत ना करे आजे अब्बा जी मेनू डर लगदा कि ते तुहानू अल्लाह जहन्नम दा बालन ना बना देवे ए ते बेटे ने मुहब्बत भरिया गल्लां बाप ना कीतियां हुण बाप मुशरक ते अल्लाह दा ना फरमान ते बाप ने जदों बेटे दियां गल्लां सुनिया ते कहन लगा इब्राहीम मेरिया इन्ना मबूता नु अगर ते बुरा कहना छाड़ दे ते चंगी गल वगरना गल सुन लै ला अर जो मन्ना का मैं तैनू रजम कर देंगा मैं मार मार के पत्थर तैनू खत्म कर देंगा और वाह अल्लाह दे खलीला मैं ते
तेरी असमत तो कुर्बान जावा ए नहीं आखिया अब्बा केंद दी गल करन दे बाप आंदा इब्राहिम अगर तू नहीं ना बाद आ सकदा ते मेरा घर छड़ दे अपना घर कोई और लब ला ते ए नहीं आखिया वाह बाबे आ घर मैं छड़ दे जवानी साडे कोल दौलत साडे कोल कारोबार असी चला रहे हैं जमीन असी चला रहे हैं मेनू कह रहे हैं घर छड़ो बाबा अपना घर होर लब जाके इस घर ते तेरा हुण कोई हक नहीं ना 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 खलील ने इंज दी हां बाप दी तुहीन कोई नहीं कीती बाप कहन लगा मेरा घर छड़ दे ते खलील फरमांदे ने सलामुन अलैहि अब्बा जी तुहाडा घर तुहानू मुबारक होए लो मैं जा रहा जे अब्बा जी घर छड़ना मंजूर हक छड़ना मंजूर घर छड़ना मंजूर हक छड़ना मंजूर नहीं ते वेख ला ना बाप मुशरके ते बेटा मवाहिद ते कदम कदम ते फेर भी कई जा रहा नहीं आ आबादी ऐ मेरे अब्बा जी ते मर्जियां मेरे मौला दिया काले उतार दे बासियो जिवें दी अज मापिया दी तू इज्जत करेगा जिवें दी मापिया दा जिवें दा तू सलूक करेगा कल तेरी औलाद ने भी उंज दा ही तेरे नाल सलूक करना है आ वेख ला ना ए ते जनाबे खलील अलैहि सलातो व सलाम ने ते फिर जदों मेरे खलील नू अल्लाह ने बेटा इस्माइल अता फरमाया ते जदों बच्चा तेरा वावा होया ना ते नबी इस्माइल कह रहे ने अल्लाह दा कुरान आंदा फलम्मा बालगा माहो साया कहला या बुनैया जिवें दी तू करनी है जेड़े टोपे ना देना ही उसे ही टोपे ना तेनू लेना भी पैना है मापिया दी इज्जत कदर करेगा कल तेरी औलाद होएगी ओ तेरी फरमा बरदार होएगी आवेखला जनाबे खलील ने अपने अब्बा जी दी खिदमत कीती है अगो रब ने पुत्र इस्माइल जेड़ा अता फरमाया अल्लाह सुल जलाल दा कुरान कह रहा ए मेरे महबूब पैगंबर जनाबे मुहम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पाक पैगंबर अली सलाम ते कुरान नाज़िल हो रहा है अल्लाह फरमांदे ने फलम्मा बालगा माहो साया काला या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी असबाहो कफन सुर मासा तरा कालया अबते फाल मा तुमर या अबते फाल मा तुमर सता छे दोनी इनशा अल्लाह मैं साबेरी अल्लाह दुल जलाल दे नबी जनाबे खलील अली सलाम नु अल्लाह ने फिर पुत्र इस्माइल अता फरमा दिता है वैसे ते मेरे खलील दी सारी जिंदगी इम्तिहाना ची गुजर गई है सारी जिंदगी अल्लाह ने आजमैशा वेच ही गुजार दीती है हुण ए वी इम्तिहान सामने आ गए ने अल्लाह फरमांदे ने इब्राहिम प्यारे इंज कर ना ऐ जेड़ा बेटा इस्माइल इनु साडे हुक्म ते आर्डर ना जाके सबा कर दे अल्लाह दे नबी खलील ने अपने पुत्र इस्माइल नु बुलाया अजे ते उम्र भी 8-10 साल दी है कहन लगे बेटा मैं अल्लाह दा एक पैगाम लेके आया और दुआ करया कर अल्लाह पुत्र भावे थोड़े ही दे पर इस्माइल जैसे दे दे
अल्लाह पुत्र इस्माइल जैसे अता फरमा देवे। कहन लगे बेटा मैं ख्वाब अंदर वेखे है, मैं तेनु अल्लाह दे रस्ते विच सबा पिया करना वा, ते ए मेरे बेटे दसना पुत्र तेरिया की मर्सिया ने। ते फरमांदे ने या अबाते फाल मा तुमर, उधर खलील ने आखिया सी ना या आबाती, इथे जेड़ा खलील नु अल्लाह ने बेटा ता फरमाया, ओ बेटा भी कह रहा या आबाती, अजिवे तू मापिया नु बुलाना है, कल नु तेरी औलाद ने तैनु उंची बुलाना है। या आबाते फाल मा तो मर साता चेतनी इंशा अल्लाह लाहो मैं नसाबेरी। ए मेरे बेटे इस्माइल पुत्र दस तेरिया की मर्जिया ने। अब्बा जी जो तुहानू अल्लाह दी तरफ आर्डर मिलिया तुसी ओही कर गुजरो, अगर तुसी सभा करन लई तैयार हो। अब्बा जी मैं सभा होन लई तैयार हां, ना उधरो इनकार ना उधरो इनकार, मर्जिया मेरे मौला दिया। जनाबे खलील अलैहि सलाम तो सलाम ने अपने बेटे इस्माइल नु आज जेड़ी सब तो वड्डी कुर्बान गाए, आंदे ने ओही है जिते इब्राहिम ने पुत्र इस्माइल नु लटाया है। अंज अपने बेटे नु जमीन ते लटाया है। अल्लाह अल्लाह, जनाबे खलील अली सलाम नु बेटा इस्माइल कह रहा है, अब्बा जी चंद मेरिया वसीयता ने ओ चंगी तरह से मात कर लो, तुसी सभा करन लई तैयार हो, मैं सभा होन लई तैयार हां। दस बेटे की वसीयता ने, फरमांदे ने पहली वसीयत इस्माइल फरमाई, छुरी नू तेज कर लो खलील इलाही। पहली वसीयत इस्माइल फरमाई, छुरी नू तेज कर लो खलील इलाही, मत ना कटे मेरा वजूद पाई, होवे तकलीफ मेरे ताई, ते दूसरा लत्ता बावा बन लो मेरिया, सबा दे वेले तड़पा चार चुफेरिया, ते खून ना पैचाए ऊपर चादरा तेरिया, होवा बे अदबा विचो नाई, ते तीसरी वसीयत तुआडी उमर वडेरिया, तुहाडे हाथों मौत आज आ जानी मेरी आ। तीसरी वसीयत तुहाडी उमर वडेरी आ, तुहाडे हाथों मौत आज आ जानी मेरी आ, ते सबर कमायो रखियो वड्डी तलेरी आ, सबर बगैर चारा नाई, ते चौथी वसीयत मेरी भुल ना जावना, मेरा सलाम मेरी मानू पहुंचावना, आके छेती टुर चलिया परावना, खिदमत दा मौका मिलिया नाई, ते पंजवी वसीयत हजरत कर्म कमावे ओ, लौ पिछया कुर्ता मेरी मानू पहुंचावे ओ, पंजवी वसीयत
ਵਸੀਅਤ ਹਜ਼ਰਤ ਕਰਮ ਕਮਾਵੇ ਹੋ ਲਉ ਪਿਛਿਆ ਕੁਰਤਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਵਿਓ ਤੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਵਿਓ ਸਬਰ ਕਰੇ ਇੰਨੀ ਜਾਈ ਤੇ ਛੇਵੀਂ ਵਸੀਅਤ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਜੋ ਮੇਲ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਖੇਲਦੇ ਖੇਲਦੇ ਹੁਣ ਘਰ ਨਾ ਆਵਣ ਸਾਡੇ ਟਹਿਲਦੇ ਟਹਿਲਦੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਸੀ ਅੰਮੀ ਤਾਈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਆਇਆ ਅੱਬਾ ਤੇ ਫਲ ਮਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰ ਸਤਾ ਜੀ ਦੁਨੀ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਮੇਨਾ ਸਾਬੇਰੀ ਅੱਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਮੈਂ ਸਬਾ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਜਨਾਬ ਖਲੀਲ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਇਸਮਾਇਲ ਤੇ ਕਲੇ ਤੇ ਛੁਰੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਛੁਰੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪੱਟੀ ਉਤਾਰਦੇ ਨੇ ਇਸਮਾਇਲ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਤੇ ਥੱਲੇ ਦੁੰਬਾ ਸਬਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਦੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਵੇਖ ਲਾ ਇਸਮਾਇਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰੀ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਬਰਾਦਰ ਆਈਏ ਸਾਰਾ ਗੌਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਰੋ ਮੁਰਸ਼ਦ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵਾ ਵਸੈਨਾ ਇਨਸਾਨ ਬਿਵਾਲਦੈ ਇਹਸਾਨਾ ਹਮਲਤੁਹੁ ਉਮੁਹੁ ਕੁਰਾਨ ਵਾ ਵਸਅਤੁਹੁ ਕੁਰਾਨ ਵਾ ਹਮਲੁਹੁ ਵਾ ਫਿਸਾਲੁਹੁ ਸਲਾਸੁ ਸ਼ਹਰਾ ਹੱਤਾ ਐਸਾ ਬਾਲਗਾ ਅਸ਼ੁੱਧਾ ਵਾ ਬਾਲਗਾ ਅਰਬਈ ਨਸਨਾ ਕਾਲਾ ਰੱਬੇ ਅਵਸੇਨੀ ਅਨ ਅਸ਼ੁਕੁਰ ਨਿਮਤ ਕੱਲਤੀ ਅਨ ਅੰਤ ਅਲਿਆ ਵਾ ਅਲਾ ਵਾਲਦਈਆ ਵਾ ਅਨ ਆਮਲ ਸਾਲਿਹਰ ਤਰਸਾਹ ਵਾ ਸਲਿਹਲੀ ਫੀ ਸੁਰਿਆਤੀ ਇੰਨੀ ਤੁਬ ਤੋ ਇਲੈਕਾ ਵਾ ਇੰਨੀ ਮਿਨਲ ਮੁਸਲਿਮੀ ਅੱਲਾਹ ਦੁਲ ਜਲਾਲ ਵਾਲੀ ਕਰਾਮ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਸਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਵਸੀਅਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹਸਾਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਚੰਗਾ ਸਲੂਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਮਾਂ ਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਤੇ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਮਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ 9 ਮਹੀਨੇ ਉਠਾਇਆ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਦੀ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਦਾ ਖੂਨ ਦੇ ਕੇ ਤੇਰੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜ਼ਾਲਿਮਾ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ ਅੱਜ ਉਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤੀ ਕੁੱਤੀ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ ਅੱਜ ਉਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅੱਜ ਉਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲੀਆਂ ਦੇਣਾ ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਤੇ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਠਿੱਠਰ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਤੇ ਮਾਂ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਲੇ ਅਚਾਨਕ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮਾਂ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ ਅਜੇ ਥੋੜਾ ਵਕਤ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੈ ਬੇਟੇ ਨੇ ਇਧਰ ਵੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮਾਂ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਸਰਦੀ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਅਸਾਲਿਮਾ ਪਾਪੀਆ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ
अज उस मां नू धक्के मारना है, अज उस मां नू गालियां कढ़ना है। आ बीवी चली जाएगी, अल्लाह होर अता कर देगा, अल्लाह बच्चे होर अता कर देगा, लेकिन मापिया जैसी नेमत अल्लाह जुल जलाल दी कसम है अल्लाह ने दोबारा नसीब नहीं फरमानी। और मौलाना ने भी ना बड़ी प्यारी गल समझाई है, फरमांदे ने सर्दियों गर्मियों करे हिफाजत। कहो सुभान अल्लाह। सर्दियों गर्मियों करे हिफाजत। असल च मजमून ठंड है, तुसी आंदे हो चौके छके वाला मजमून होवे, ये भाई लियाकत साहब ने मेरे जिम्मे लगाया है, इस वास्ते मैं बयान करना ही करना। मोहब्बत ना समाज फरमाओ। सर्दियों गर्मियों करे हिफाजत, बहुत प्यार से आदा लोरिया देंदी थोड़ा सौंदी, लोरिया देंदी थोड़ा सौंदी, और खिदमत विच अमादा तू रोवे ते तोड़ी आवे, ओए तू रोवे ते तोड़ी आवे, जिंद करे कुर्बानी, ओए दुध पिलावे लाड लडावे, दुध पिलावे लाड लडावे, अधूर करे परेशानी, दो सालां तक दुध पिलाया, दो बरसां तक दुध पिलाया, ओए किन्ना कर्म कमाया, मावां वर्गा प्यारा रिश्ता ना दुनिया अंदर आया। मेरे वालदे मोहतरम पिछे तशरीफ फरमा ने, अल्लाह इन्हां नूं सेहत वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए, ऐ उन्हां दीआं दुआवां दा नतीजा और वालिदैन दी मेहनत दा नतीजा है, और मेरे अल्लाह दे फजल और उसकी रहमत का नतीजा है कि साढ़े जैसे गुना। मलिक साहब खामोश हो जाओ, की मसला है? अल्लाह दुल जलाले वाली कराम दी रहमत ना करिया करिया बस्ती बस्ती नगर नगर अल्लाह दा कुरान सुना रहा। मेरे भाइयों मेरे बरादर आइए जरा गौर फरमाइए, अल्लाह दुल जलाले वाली कराम फरमांदे ने, ए मेरे महबूब पैगंबर जनाबे मुहम्मद, कह दियो सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पाक पैगंबर अली सलातो व सलाम ते अल्लाह दा कुरान नाज़िल हो रहा है, और मेरे पाक पैगंबर अली सलाम ने ए भी इरशाद फरमाया, आ फरमाते ने अला ओ नब्बे उकुम बे अकबारे लकबाइर, सिहाबियो के आ मैं तुहानू ना दसा कबीरा गुनाह केड़े ने, कबीरा गुनाह केड़े ने, अल्लाह दे नबी जी जरूर इरशाद फरमाओ। मेरे पाक पैगंबर फरमांदे ने अल इशराक बिल्ला, अल्लाह दी जात ना शिरक करना एक कबीरा गुनाह है, वा उकूकुल वालिदैन मापिया दी ना फरमानी करना ए भी कबीरा गुनाह है, वा कौल जूर व शहादत जूर और झूठी गवाही देना ए भी कबीरा गुनाह है, झूठी बात करना ए भी कबीरा गुनाह है, मापिया दी ना फरमानी करना ए भी कबीरा गुनाह है। अल्लाह सुल जलाल दी कसम है, ए ते उदों ही पता चलदा कि जदो मापे दुनिया तो चले जाए, उन्हां कोलों जाके पुछया कर कि जिन्हां दे मापे दुनिया तो चले गए ने, कि जदो मापिया वालिआं नूं वेंदे ने मां दी गोद विच बैठदे आ बच्चिआं
ਨੂੰ ਵੇਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਪ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦਿਆਂ ਵੇਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਯਤੀਮਾਂ ਦੇ ਕਲੇਜਿਆਂ ਤੇ ਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਯਤੀਮਾਂ ਦੇ ਕਲੇਜੇ ਫਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੌਲਨਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਛ ਯਤੀਮਾਂ ਕੋਲੋ ਜਾ ਕੇ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਮਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਤਰ ਤਰ ਰੁਲਦੇ ਤੱਕੇ ਖਾਂਦੇ, ਨਾ ਸਰ ਪੈਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਈਦ ਦਿਹਾੜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵਾਲੇ ਐਸ਼ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਬਾਜ ਯਤੀਮਨ ਮਾਨੇ ਉਹ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਪਰਦੇ। ਅੱਲਾਹ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਦੀ ਕਸਮੇ, ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਨੇਮਤ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਅਬਦੁਲ ਗਫੂਰ ਨਾਮੀ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਬੜੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਦੀਆਂ, ਮਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਮੁਕਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਅਬਦੁਲ ਗਫੂਰ ਨੂੰ ਇਤਲਾਵਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅਬਦੁਲ ਗਫੂਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਵਫਾਤ ਤੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਆਂਸੂਆਂ ਦੀਆਂ ਝੜੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਬਰਸਤਾਨ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਦਫ਼ਨ ਕਰਦਾ ਏ, ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਂਦਾ ਏ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਆਂਸੂ ਥੰਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ, ਨਾਲੇ ਛਮ ਛਮ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਛਮ ਛਮ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਮਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਚਲੀ ਗਈ ਏ, ਤੇ ਕਿਹਾ ਅਸਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਰਾ ਸਬਰ ਕਰੋ, ਸਬਰ ਦੇ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅਬਦੁਲ ਗਫੂਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਲਓ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਾਥੀਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਏ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ ਬੈਠਦਾ, ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠਦਾ, ਦੂਰ ਦਰਾਜ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਰੀਜ਼ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਇੰਜ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਵੇਂਦੀ ਤੇ ਉੱਚੀ ਸਾਰੀ ਆਉਂਦੀ, ਓਏ ਪੁੱਤਰ ਗਫੂਰਿਆ ਆ ਗਿਆ ਏ, ਪੁੱਤਰ ਗਫੂਰਿਆ ਆ ਗਿਆ ਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਥੀਓ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬੜੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਰ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੰਮੀ ਵਾਲੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੰਮੀ ਵਾਲੀ ਉਸ ਮੁਹੱਬਤ ਭਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਬਰਾਦਰ, ਇਹ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਏ, ਉਹਨਾਂ ਯਤੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਮਾਵਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਬਾਪ ਦਾ ਸਾਇਆ ਉੱਠ ਗਿਆ, ਹਰ ਇਹ ਤੇ ਵਜ੍ਹਾ ਏ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਰੋ ਮੁਰਸ਼ਦ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ, ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ, ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਐਂਦ ਈਦ ਦਾ ਖੁਤਬਾ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾ ਕੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਾ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਖੇਲਣ ਡੈ ਨੇ, ਤੇ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਮਾਸੂਮ ਬੇਟਾ ਅਲੱਗ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਫਟੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੇ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਆਂਸੂਆਂ ਦੀਆਂ ਝੜੀਆਂ
नजर आ रही ने मेरे पाक पैगंबर ने इस बच्चे अपने करीब बुलाया आ फरमांदे ने बेटा आज ईद का दिन है आज खुशी का मौका है बच्चे खेल रहे ने बच्चे मुस्कुरा रहे ने ते तेरिया अखा चो आंसुआ दिया चढ़िया लग गई ने मौलना फरमांदे ने वेखिया एक यतीम न माना है कपड़े पाए लीरा हसरत उस नूर मार आवाजा अपने कोल बुलाया ए बच्चे आज ईद दिहाड़े ऐ तू की हाल बनाया कहन लगा मैं की दुख फोला कहन लगा मैं की दुख फोला मर गया माँ प्यो मेरा घर साडे बिच पइया उजाड़ा ते खाली हो गया वेड़ा अल्लाह दे पाक नबी जी मेरी अम्मी दुनिया तो चली गई है मेरे अब्बू दुनिया तो चले गए ने मेरे पाक पैगंबर अली सलाम लोगो रहीमा दे रहीम ने मेरे पाक नबी करीमा दे करीम ने अल्लाह दे पाक पैगंबर अली सलाम ने फरमाया ओ बेटा क्या तू पसंद नहीं करदा आयशा तेरी अम्मी बन जाए ते मुहम्मद तेरा अब्बू ही बन जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या तू राजी नहीं आयशा तेरी अम्मी बन जाए ते मुहम्मद तेरा अब्बू ही बन जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पाक पैगंबर अली सलाम लोगो ए ते ओ तो ही पता चल दिया जदो मापे दुनिया तो चले जाते ने अल्लाह अल्लाह मां दी अजमत मां दी शान मां दे वकार ते अजमत की है अल्लाह अल्लाह खुद मेरे ते तुहाडे पाक पैगंबर अली सलातो व सलाम मेरे आका दे अपने सहाबा दे हमरा मेरे नबी शहरों बार तशरीफ ला जा रहे ने ते पाक पैगंबर अली सलाम अचानक सहाबा नालो मेरे नबी सरा अलग हो जांदे ने एक निकी जी कबर दी टेरी नजर आ गई है मेरे नबी उस कबर दी टेरी दे कोल चले गए ने मेरे पाक पैगंबर अली सलाम नाले अपने हाथा ना इस कबर दी मिट्टी दुरुस्त फरमा रहे ने नाले मेरे नबी इन्ने रोए के रो रो के जमीन मट्टी तर हो जाती है मेरे नबी दी दाड़ी मुबारक छेड़ी है आंसुआ ना तर हो जाती है मेरे पाक पैगंबर ते सहाबा ने देखे आना कि अल्लाह दे पाक पैगंबर अली सलाम बेसाखता रोई जा रहे ने सहाबा अर्द करते ने महबूब सोने गल की है इना बेसाखता रोंदे आए असी तुहानू कदे नहीं वेखे आए मेरे आका सलाम ते दिल अंदर ओ पुरानिया यादां ताजा हो गईया होनगियां ओ पुराने मंसर पुरानिया तस्वीरां अज अखां दे सामने फिर गईया होनगियां जदों ऐसे ही मकाम अब ताते मेरे पाक पैगंबर अली सलातो व सलाम मेरे आका अपनी अम्मी ते हमरा मेरे नबी दी उम्र 5-6 साल दी उम्र है अपनी अम्मी दे हमरा मदीना तशबा चो वाक वापस मक्का मुअज्जमा तशरीफ ले आए ते मकाम अबवा ते आके बीबी आमिना दी तबीयत साथ नहीं दे रही इंज लगदा के जिवें जिंदगी दी सावां वाली डोरी टुटदी नजर आ रही है इंज अपने बेटे मुहम्मद नु बुलाया सल्लल्लाहु
अलैहि वसल्लम। बीबी उम्मे ऐमन भी नाले, एक बीबी उम्मे ऐमन है, एक मेरे मुहम्मद करीम ने, एक बीबी आमिना ए मुख्तसर जिया काफला है। ते बीबी आमिना दी तबीयत अंदर नुकाहत बढ़ती जा रही है, तबीयत अंदर नुकाहत बढ़ती जा रही है। बीबी उम्मे ऐमन ने अपनी हिम्मत मुताबक कोई इलाज माल से दिया कोशां भी कीतियां ने, पर लोग हुंदा ते ओ होइए जो अर्श वाले रब नू मंसूर हुंदा है। बीबी आमिना इंज लगदा कि जिवें जिंदगी हुण से आदा वफा नहीं कर सकेगी। ते मां आमिना इंज मेरे पाक पैगंबर नू अपने सीने ते लटाया, काले उतार ते बासियो किन्ना प्यार करती होएगी मां आमिना, किन्निया मुहब्बत नछावर करती होएगी मां आमिना। कदे मेरे नबी दे हाथ चुमदी होएगी, कदे मेरे पाक पैगंबर दियां पिशानी चुमदी होएगी, कदे मेरे पाक पैगंबर नाल मुहब्बत करती होएगी। यार पता जे ना केई की सोचा, मां दे दिल विच आंदियां होणगियां। मां आंदी होएगी बेटा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पुत्र मैं तेरियां जवानियां वेखना चाहुंदी सा, पुत्र मैं तैनू इज्जतां पांदियां वेखना चाहुंदी सा, काले उतार ते बासियो भला किस बाप दा जी नहीं करदा, केड़ी मां दा जी नहीं करदा। हर मापे चाहुंदे ने असीं अपने पुत्तरां नूं इज्जतां पांदियां वेखीए, अपने बेटियां नूं असीं इज्जतां पांदियां वेखीए। हर मापे चाहुंदे ने असीं अपने पुत्तरां नूं तरक्कियां पांदियां वेखीए। मेरे पाक पैगंबर अली सलाम दी अम्मी कई सोचां दिल विच आंदियां होणगियां, बेटा मुहम्मद पुत्र मैं ते तेरियां जवानियां वेखना चाहुंदी सा, पुत्र मैं तैनू इज्जतां पांदियां वेखना चाहुंदी सा। हुणे दुनिया तो मेरा सफर मुकदा नजर आ रहा है। बीबी आमिना नाले रोंदी है पई ते नाल आंदी है मक्का दूर ते दूर मदीना, मक्का दूर ते दूर मदीना, और खेश खबर न काई विच परदेस मुकद्दर वाली, अज बात बराबर होई। ते आमिना नाले रोंदी है भई ते नाल आंदी है मेरे बेटे आ गया वक्त जुदाइयां वाला, आ गया वक्त जुदाइयां वाला, और दर्द हंजू चारी चुप कर माई ते कोल बैठा बैठा नबी गफारी। बीबी आमिना नाले रोंदी है भई ते नाल आंदी है वेखना मैनू, ए मेरे बेटे वेखना मैनू नसीब ना होया, वेखना मैनू नसीब ना होया, तेरा बुलंद सितारा वेखना गया तेरी सूरत, तेरा बाप प्यारा। ए मेरे बेटे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यार निकी दी उम्र अंदर किन्ने दुख मेरे नबी नु आए ने, बहता हुए तो बाप का साया उठा दिया, घुटनों चले तो मादरो अम हो गए जुदा, अरे यूं एक एक करके साया उठता चला गया, यूं एक एक करके साया उठता चला गया। साए पसंद आए न परवरदिगार को, साए पसंद आए न परवरदिगार को,
साया कर दिया गया उस सायादार को। मेरे आका ले सलाह अम्मी दुनिया तो चली गई है, आज मेरे आका नू अल्लाह ने इज्जत अता फरमाईया। मेरे आका अम्मी दी कबर ते खलोते ने, मेरे पाक पैगंबर छम छम रोई जांदे ने। मेरे आका फरमांदे होनगे अम्मी आज तो 35-40 साल पहले अम्मी पुरानिया गल्ला चेते आ गई आ। अम्मी तू आंदी सना पुत्र मैं तेनु इज्जत पांदे वेखना चाहनी आ। अम्मी तू आंदी सना बेटा मैं तेनु असमत पांदे वेखना चाहनी आ। ए मेरी अम्मी सारा उठ के वेख ते सही ना, रब ने तेरे पुत्र नु किनिया असमत अता कर दितिया ने। अम्मी सारा उठ के वेख ते सही ना, केड़ी असमती पागे जेड़ी रब ने तेरे पुत्र ते सर ते नहीं टेका दिती। अम्मी केड़ी असमत शान ते वकार ते मर्तबा के जेड़ा रब ने तेरे बेटे मुहम्मद दी चोली विच नहीं पा दिता। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलोगो पता चल दे मेरे नबी नू केड़ी असमत जेड़ी अल्लाह ने अता नहीं फरमाई। पर कमी मापिया वाली ते मेरे मुहम्मद भी महसूस फरमा रहे। मापिया वाली कमी यार दुनिया दे अंदर बंदा जिन्ना भी मर्तबा पा जाए, दुनिया दे अंदर बंदा जिन्निया भी तरक्कियां कर जाए, पर मापिया वाली कमी जेड़ी है ओ ते बंदा हमेशा महसूस ही करदा रहिंदा है। ओए दो जागे अंदर जे तू सुख जान फिर कहो सुभान अल्लाह। जेड़े सुभान अल्लाह नहीं नाते अल्लाह इन्होंने जुतियां चुकियां जान तुहाडिया जो रगां नू हथ पैंदा ना फिर सुभान अल्लाह आंदे हो। अल्लाह अल्लाह दो जागे अंदर जे तू सुख जाना, और दो जो काले उतार वाले दो जागे अंदर जे तू सुख जाना। दसा अमल मैं कर तू की ले आ कर, जिस हाल विच मां होवे राजी उस हाल विच तू भी जी ले आ कर। उच्चा बोल ना मां को बोल बैठी मां सामने तू लबानू सी ले आ कर, जे तैनू सुकून दी लोड़ होवे पैर तो के मां दे पी ले आ कर। जावा सदके मैं मां दे नामे उतो मां आखिया सीने च ठंड पैंदी, जदों नाले मुहब्बत मां कहिए जदों नाल मुहब्बत मां कहिए लगदा मुंह विच जिवें खंड पैंदी। जेड़ा मां नू करे ना कंडियारो ओदी कदे भी पुंजे नहीं कंड पैंदी। जेड़ा मां दा बेअदब होवे रब्बानी ओनू दोवां जहाना च फंड पैंदी। अल्लाह दुल जलाल दा कुरान कह रहा वकजा रब्बो का अल्लाह ताबुदू इल्ला इशा व बिल वालिदैन एहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंतकल के बर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला अल्लाह शेख आजो हजरत तुहाडी मेहरबानी गुस्ताखी कारी ताज दिन शाकर सा अल्लाह इन्हां नूं सलामत रखे उची आमीन कहो। मैं कल मुख दी मका देवा मेरे पाक पैगंबर अली सलातो व सलाम। मेरे आका मिंबर ते तशरीफ फरमा रहे आका अली सलाम तशरीफ ले आए। मेरे नबी ने पहली सीढ़ी ते कदम रखे आए आमीन फरमाया, दूसरी सीढ़ी ते कदम रखे आए आमीन फरमाया, तीसरी सीढ़ी ते कदम रखे आमीन फरमाया। सहाबा कहन लगे
हुजूर इस तो पहले कदे इंज दा माजरा पेश नहीं आया कि तुसा पहली दूसरी तीसरी सीढ़ी ते हर सीढ़ी ते कदम रखे आए ते आमीन फरमाया। मेरे आका फरमांदे ने सिहाबियो असल विच गल आ माशाल्लाह खुशखबरी ना सुनावा उन्हें अपना टाइम भी मेनू दे छड़िया आख्या मैं बाद च दुआ ही कर देंगा इंशाअल्लाह अल्लाह अल्लाह गौर फरमाना माशाल्लाह अल्लाह दुल जलाल दे प्यारे पैगंबर जनाबे मुहम्मद कह दियो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे पाक पैगंबर अली सलाम फरमांदे ने मैं पहली सीढ़ी ते कदम रखे आ मेरे कोल जनाबे जिब्रील आए अर्द करदे ने महबूब सोने आए जेड़ा बंदा अपनी जिंदगी दे अंदर अपने बुढ़े मां बाप नू पा लैंदा है फिर उन्हां दी खिदमत करके अपने रब नू राजी नहीं करदा अल्लाह दे नबी जी ओदे ते अल्लाह दी भी लानत है अल्लाह दे फरिश्तियां दी भी लानत है। मेरे आका फरमांदे ने आमीन जिदे ते अल्लाह दी लानत है जिदे ते फरिश्तियां दी लानत है ओदे ते मुहम्मद दी भी लानत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका फरमांदे ने मैं दूसरी सीढ़ी ते कदम रखिया ते जिब्रील आंदे ने सोनिया जेड़ा तुहाडा नाम सुन के दुरूद पाक नहीं पढ़दा ओदे ते अल्लाह दी भी लानत है अल्लाह दे फरिश्तियां दी भी लानत है। आका फरमांदे ने आमीन ओदे ते मैं मुहम्मद दी भी लानत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और साडे खिलाफ ये बड़िया गल्लां वाबी जी दरूद दे मुनकर ने ए दरूद नहीं पढ़दे असा दरूद ओ पढ़ने आ जेड़ा मुहम्मद मुस्तफा ने दसिया कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और लोग अहले हदीस दी दावत देवे अहले हदीस दा पैगाम सुनो असी किसे कहानियां नहीं सुनांदे और अहले हदीस अपनी किस्मत ते फखर करिया करो कि तुहाडे उलमा जेड़े ने ओ किसे कहानियां नहीं सुनांदे तुहाडे उलमा जेड़े ने ही राजे दीयां गल्लां नहीं सुनांदे और तुहाडे उलमा तुहानू अल्लाह दा कुरान सुनांदे ने आमिना दे लाल दा फरमान सुनांदे ने। और लोगो अहले हदीस दी दावत ते गौर करो अहले हदीस दे पैगाम ते गौर करो मेरी दावत ना अलामा ज़हीर दी दावत है मेरी दावत ना यस्तानी शहीद दी दावत है मेरी दावत ना हजरत रोपड़ी दी दावत है मेरी दावत ना मौलाना सलफी दी दावत ना मौलाना रोपड़ी दी दावत ना मौलाना लखवी दी दावत। और लोगो रब्बे की बरिया दी कसम उठा के आना अहले हदीस दी दावत रब ते कुरान दी दावत है आमिना दे लाल दे सच्चे फरमान दी दावत जोर मेरा लगन दिया ते नारे शेरे पंजाब दे मारने अल्लाह इन्हां नू सलामत रखे और फिर आमीन कहो अल्लाह मेरे शेरे पंजाब की जिंदगी दराज फरमा दे अल्लाह सुलझा। और लोगो अहले हदीस दी दावत साडा पैगाम आओ साडे करीब आओ साडी दावत ते गौर करो और आ जाओ मसला के आले हदीस है वे दावत आले हदीस है वे एवे दूरो दूरो लड़ाइयां नहीं खत्म होंदियां आ जाओ आज ही इस काले उतार दे चौक दे अंदर इकट्ठे हो जाने आ अल्लाह दुल जलाल दी कसम आ जाओ इत्थे मैं
मैदान मार लैने इथे टेबर रख लो, बुखारी शरीफ रख लो, मुस्लिम शरीफ रख लो, अबू ताबूत तिरमिदी निसाई इब्ने माजा मिशकातुल मसाबी रख लो, इधर बरेलवी बह जान, इधर देवबंदी बह जान, इधर शिया बह जान, इधर अहले हदीस बह जांदे ने, ओए कुरान हदीस फोल दे जाओ, जो कुरान हदीस चो लभदा जाए ओ मन दे जाओ, बाकी सब को छोड़ दे जाओ। और लोगो मिनू काबा दे रब दी कसम है, इन्ना जो रब दे कुरान दे मुताबिक नबी दी हदीस दे मुताबिक अगर तुहानू मसलक नजर आएगा ते आले हदीस दा नजर आएगा। कुरान और सुन्नत दे मुताबिक अगर इन्ना चो कुरान और सुन्नत दे मुताबिक मसलक नजर आएगा ते आले हदीस दा नजर आएगा इंशाल्लाह। इस वास्ते मेरे भाइयो मेरे बरादर, चूंकि मेरा मजमून हुकूक वालिदैन है, अल्लाह सानू सारेयानू वालिदैन दी इज्जत इख्तराम करन दी तौफीक अता फरमाए। जिन्ना दे वालिदैन फौत हो गए ने अल्लाह उन्होंने करवट करवट जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए, और जिन्ना दे वालिदैन है ने जिंदा ने अल्लाह उन्होंने सेहत वालियाँ लंबियां जिंदगियां नसीब फरमाए। एहसन केसट एंड सीडी सेंटर हाजी अब्दुल रजाक साहब सितारा कॉलोनी लाहौर तो तशरीफ ले आए ने, इन्हां कोल उलमाए किराम दे केसर तुहानू मिल जाणगे। मौलाना शेरे पंजाब साहब दे मुख्तलिफ मजमून, कारी ताजदीन शाकर साहब दे, और मेरे जितने खुतबात जुमा पढ़ा रहे हैं वो सारे इन्हां कोल सीढ़ियां मौजूद ने, जेड़े दोस्त हासिल करना चाहन। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।